तो बच्चों लास्ट क्लास हमने टेंजेंट और नॉर्मल देखा था, करेक्ट, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम मिरर में इसको अप्लाई करके देखेंगे अभी। पहले आप सर्कल में समझ लो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है? तो अभी सपोज इस ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सर्कल है, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ अ सर्कल, और यहाँ पर देखो ये एक टेंजेंट है, ठीक है? और अब अगर मुझे इस लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो परपेंडिकुलर मैं कैसे ड्रॉप करूंगा? इस पॉइंट से देखो, जो भी परपेंडिकुलर होगा ना इस लाइन को, दैट विल बी पासिंग थ्रू सेंटर। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक, अब इस सेंटर का ओरिजिन है, ठीक है? देखो, तो अगर मैंने एक लाइन को पास किया विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर हाँ सेंटर, तो ये इसका हो जाएगा। नॉर्मल तो यहाँ पर अभी आपको समझे नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? ये दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। सर। यस बोलो। सर वो जो टेंजेंट और जो बीच में का है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन है ना, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये नॉर्मल है। अब तुम यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक ऐसे कुछ तो आएगा। देखो, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? समझ रहे? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ गए। देखो अभी मैं इसको इधर पर लेके आता हूँ, ठीक है? तो देखो ये टेंजेंट है कि नहीं यहाँ पर, करेक्ट? तो रेड वाली लाइन बेसिकली नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर जो ये जो लाइन रहेगी यहाँ पे, दिस इज काइंड ऑफ अ टेंजेंट टू दिस दिस लाइन, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। तो ये जो नॉर्मल है, ये देखो ये हमेशा किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी दिख रहा है? अभी शायद, नाउ यू कैन सी मच मोर। अभी देखो पास हो रहा है सेंटर से हमेशा, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ सर। सेंटर का है वो सर्कल का। ये ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर अगर हाँ आपको नहीं सर। समझ में आ रहा है तो इसके लिए सर सर क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, अभी दिख रहे हैं सर्कल? अब देखो यहाँ पे, ये टेंजेंट हमेशा सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर्कल के, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है टेंजेंट सर। समझ में है क्या होता है? सिंपल, एक लाइन होती है टेंजेंट, ठीक है? एक पॉइंट से पास हो रही है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। और इसको, इस लाइन को जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, दैट बिकम्स नॉर्मल। तो यहां पर देखो ये टेंजेंट है तुम्हारी, ठीक है? दिस इज, टेंजेंट हमेशा ग्रीन कलर में रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर ऐसा है, ऐसा कुछ नोटेशन नहीं है इसका, ठीक है? और ये जो रेड वाली है, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है? ऐसा कोई नोटेशन नहीं है। आप चाहते हैं आप कलर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं आई? सब यस बच्चों को टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? सर। तो हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट एक पॉइंट से, जस्ट देखो कैसे कैसे जा रही टेंजेंट, जस्ट एक पॉइंट को टच होते हुए जा रही ना। यू कैन जस्ट मूव इट ऑन दिस सर्कल लाइक दिस ना, देखो एक पॉइंट को टच होते हुए जा रही है टेंजेंट, बराबर है? मुझे एक क्वेश्चन है यस, सर, ये कंपलसरी है क्या कि टेंजेंट उस पॉइंट को टच करके आगे एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर मतलब सी एक टेंजेंट इज अ पॉइंट? लाइन ना, लाइन ऑलवेज मूव्स टिल इन, मतलब लाइन कैन ऑलवेज गो टिल इंफिनिटी ना, हाँ बराबर है? तो आई होप टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। बस यही है मुझे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना था, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, ठीक है? तो नाउ ओके। इफ आई मूव टू माय मिरर्स, इफ आई मूव टू माय मिरर, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट, बराबर है? तो एनी लाइन
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को टच करेगी, क्या वो उसको हम नॉर्मल की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते ने बताया भी था, कर सकते हैं, बराबर है ना? तो अब अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कैसे बनाओगे? इस ऑब्जेक्ट को पहले इस मिरर की तरफ लेके जाओ, यहाँ पे स्ट्राइक कराओ, फिर नॉर्मल और ये जो लाइन, ये भी क्या होगी तुम्हारी, दिस एक्चुअली कम्स बिकम्स योर इंसिडेंट रे, बराबर है? बराबर बराबर है, करेक्ट। और ये होगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये आई है। आ देखो अभी अभी डिमॉन्स्ट्रेशन में देखना आप लोग, सी इफ आई जस्ट ट्राई टू शो इट ओवर हियर। जैसे सपोज मान लो अभी मैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक, लेट्स से दिस इज माय मिरर, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है बराबर है, लेट्स से दिस इज माय मिरर। तो मिरर कहां से कहां तक है मेरा, बेसिकली ओके, सो आई होप दिख रहा है सब बच्चों को ना। तो अब देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ इतना पार्ट मेरा मिरर है, कितना पार्ट मिरर है मेरा, इतना पार्ट मेरा मिरर है, समझ लो, ठीक है, बराबर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तुमने, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया, ये सी हो गया इस मिरर का, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की तुम्हें इमेज बनानी है, इमेज कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, लाइट इस ऑब्जेक्ट से यहां तक आनी चाहिए ना, हाँ सर, बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया तुम्हारी, दिस हैपेंस टू बी योर इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये देखो ये कहां पे मीट करी इंसिडेंट रे तुम्हारी, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मीट करी नॉर्मल, नॉर्मल रिफ्लेक्शन कैसे करते थे बच्चों, रिफ्लेक्शन में भी तुम ऐसे करते थे ना, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल वाले पॉइंट पे ही तो मीट होती थी ना, अब यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी टेकन एज नॉर्मल, ठीक। अब देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं, यस, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डिग्री का होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी कहाँ पर, मान लो ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टेड रे के लिए काम करो, ग्राफ है ना, इसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है सर। तो ऐसे तो हमें ऑब्जेक्ट क्या पे रखा है और सेंटर, मतलब ये जो सेंटर है उन दोनों में जितना डिफरेंस है तो उतना ही सेम टू सेम डिफरेंस ये रिफ्लेक्टेड रे में होना चाहिए, राइट, सेंटर। यस यस यस। तो अभी तुम्हारा इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और ये देखो ये बन गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ में आई बात, इसको भी डिलीट कर दो। यस सर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज दिस हैपेंस टू बी। अब देखो अब एक तो ये लाइट रे होगी, और तुम्हें क्या मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर का पोल है, बराबर है। तो एनी लाइट दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस, एनी लाइन दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्ट टेकिंग द सेम पाथ, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। और ये देखो ये लाइट कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ माई इमेज, ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ माई इमेज, बराबर है, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, ओके। तो यहां पर रिफ्लेक्शन कैसा हुआ है वो बच्चों आपको समझ में आया है, ठीक है, इसका जो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सर, मतलब बीच में का पॉइंट, पॉइंट दिस इज अ नॉर्मल एक्चुअली, पॉइंट दिस इज अ नॉर्मल, ओके सर, वो माइनस टू का पॉइंट वो क्या है, वो है कोई पॉइंट, दैट इज सम पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े बच्चों, फिर शुड वी गो अहेड देन, हाँ सर, सर।
तो अब देखो फिर उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, तो आपको समझ में आ गया अभी, एनी लाइन दैट विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी टेकन लाइक अ विल बी ट्रीटेड लाइक व्हाट नॉर्मल विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल. ठीक है ओके नाउ तो देखो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी लाइन गई इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल. ठीक है तो वो देखो अगर लाइट इस पाथ पे गई तो इट विल टेक द सेम पाथ कि नहीं, क्यों व्हाई इट इज गोइंग टू टेक द सेम पाथ, क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर कोई लाइट मिरर को नॉर्मली पड़ती है तो वो सेम पाथ लेती है, बराबर है. तो यहाँ पर भी क्योंकि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है टेक्स द सेम पाथ तो नॉर्मली पड़ रही है तो इट विल ऑल्सो रिटर्न बाय सेम पाथ. ये कौन सा कॉनकेव में ऐसे ऐसे रिटर्न होगी, कॉन्वेक्स में देखो ऐसे रिटर्न होगी. ठीक है समझ में आई बात की नहीं आई सर? वो मिरर्स में भी ऐसा होता है ना कि कॉन्वेक्स में वो मतलब एक पॉइंट से आती है और या कॉनकेव में वो स्प्रेड होके आती है ना. यस तो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा ऐसे कुछ, तो ठीक है अब लाइट तुम्हारी ऐसे आई, अगर लाइट तुम्हारी ऐसे आई करेक्ट लाइट कैसे आई देखो लाइट ऐसे आई, लेट मी नॉट शो दिस टैंजेंट फॉर टाइम बीइंग, ये नहीं ये दिखाने मुझे I want to show this light. अब देखो अगर लाइट तुम्हारी ऐसे ऐसे आ रही, ठीक है लाइट इज कमिंग लाइक दिस, तब क्या होगा व्हाट विल हैपन, इट विल रिटर्न बाय सेम पाथ, बराबर है कि नहीं, इट विल रिटर्न बाय सेम पाथ. सर रिटर्न कैसे सेम पाथ पे होगी, क्यों सर यहाँ पे आई यहाँ पे टकराई या इस पॉइंट पे टकराई लाइट और फिर इट विल टेक द सेम पाथ बाय गोइंग बैक. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं सर. सर मुझे लग रहा है कि वो फिर नॉर्मल और फिर वो जो नॉर्मल है ना बीच में अगर हमने ड्रॉ किया ये नॉर्मल है रेड कलर वाली लाइन जो है नॉर्मल है. ठीक है अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो ऐसा समझो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कौन सा मिरर, कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स ना सर, कॉन्वेक्स मिरर है बराबर है मिरर. This is a convex mirror. तो अगर लाइट तुम्हारी ऐसे आई इस कॉन्वेक्स मिरर में इट जस्ट स्ट्राइक्स दिस पॉइंट तो इट विल रिटर्न बाय सेम पाथ. ठीक है समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पर कैसे वो रिफ्लेक्ट होके तो बाहर जाएगी ना. अरे तो अगर कोई लाइट मिरर में ऐसे पड़ती है तो कैसे कोई लाइट मिरर पर 90 डिग्री पे पड़ी तो कैसे रिटर्न होगी? सर वो स्ट्रेट पड़ी तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगी ना. हाँ ये नॉर्मल है ना, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये नॉर्मल है. देखो मिरर अगर तुम्हारा ऐसा होता, लेट्स से अगर तुम्हारा मिरर ऐसा तुमने रखा होता इस मिरर को, तब क्या ये लाइट ऐसे रिटर्न होती सेम पाथ पे कि नहीं? हाँ सर अब होती. फिर ये भी स्लाइटली देखो एक इसको तुम यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा मिरर अज्यूम कर सकते हो ना, एकदम छोटू सा मिरर इसको यहाँ पे ज़ूम कर सकते हो, लाइट यहाँ पर ऐसे पड़ी तो इट विल टेक द सेम पाथ लाइक दिस. ठीक है सर ओके. सर आप आईआर का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या एक बार? आईआर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो समझ में आया कॉन्वेक्स के केस में कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा थ्रू नॉर्मल? हाँ सर मेरी बात बच्चों की नहीं? ओके ठीक है. तो आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक और देखो ये कौन सा था कॉन्वेक्स में ये ऐसे जा रही होगी. ठीक ओके और फोकस मैंने बताया था कौन सा पॉइंट होता है, व्हाट विच पॉइंट इज फोकस? फोकस कौन सा पॉइंट है? ये वाला देखो पॉइंट है. ठीक है फोकस अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो इट विल मीट एट दिस पॉइंट फोकस. और मैंने बताया था फोकस का जो फोकल लेंथ होता है इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेम यहां पर देखो लाइट ऐसे आई ये रिफ्लेक्ट हुई यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई कैसे रिफ्लेक्ट होगी सच दैट इट तुम्हें ऐसा फीलिंग आएगा कि वो भाई पीछे की तरफ मीट हो रही है कहीं तो. ठीक है क्योंकि ये कौन सी लाइट रे है ये डाइवर्जेंट लाइट रे ना इट अपीयर्स टू मीटिंग एट दिस पॉइंट एफ बराबर है.
समझ में आ रही है बात कि नहीं? सर यस 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 बोलिए। चलो सो PC इज रेडियस ऑफ स्फीयर, PF इज फोकल लेंथ। सर हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर आपने अभी जो दिखाया था ना सर्कल में बड़ा सर्कल, उसमें एक माइनस टू करके जो पॉइंट था वो फोकस ही था ना? एक सेकेंड। यस सो ऑब्वियसली इफ यू जस्ट कंसीडर दिस एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन सा दिस एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर फोकस वाला पॉइंट कौन सा है? फोकस वाला जो पॉइंट है वो ये है, दिस इज योर फोकस वाला पॉइंट। ठीक ओके सर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो सर उसका रेडियस का हाफ फोकस होगा। यस उसका रेडियस का हाफ फोकस होगा। ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, ये तुम्हारा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है तो कोई भी लाइट अगर पैरेलल लग जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहाँ पे मीट होनी चाहिए? कहाँ पे मीट होनी चाहिए? फोकस पे मीट होनी चाहिए। ठीक है फोकस पे। और अगर कोई कोई लाइट फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से आई तो क्या होगा? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कौन सा मिरर है तुम्हारा? दिस इज व्हाट कॉनवेक्स, कॉनवेक्स कॉनकेव, कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव। ठीक है कॉनवेक्स में देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन कॉनवेक्स, कॉनवेक्स में क्या होगा, इसको हम इधर पर अब लेके जाएंगे। दैट मींस नाउ वी आर डीलिंग विद कॉन कॉनवेक्स मिरर। ठीक है कॉनवेक्स के केस में क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा F, so कॉनकेव के केस में देखो ये C हो गया, ये F हो गया, तो कोई लाइट कैसे आनी चाहिए? लाइट अगर ऐसे आएगी तो इट विल अपियर टू बी मीटिंग एट फोकस ना। ये लाइट क्या लगे, कैसे लगेगा तुम्हें यहाँ पे लाइट? तुम्हें ऐसा लगे, ऐसा फील आएगा कि दिस लाइट इज ऑफ मीटिंग है। ठीक है सर, तो वो पानी में जैसा दिखता है कि अगर कोई पेंसिल या लाइट भी हम अगर डाले तो वो ऐसा टेढ़ा हो जाता है, सो वो भी इसका ही एग्जांपल है क्या? नहीं नहीं वो रिफ्रैक्शन की वजह से, वो बताता हूँ रिफ्रैक्शन क्या। ठीक है तो ये समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ पर देखो ठीक है, समझ में आ गई सब बच्चों के बाद? यहाँ पर तो ये जो है ये वर्चुअल इमेज है, क्यों? क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने रहोगे यहाँ पर, बराबर है? लाइट देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और इट अपीयर्स टू बी गोइंग एंड मीटिंग एट दिस पॉइंट फोकस। ओके बच्चों, अगर जो जीरो जीरो से जो बड़ी लाइन जा रही है वो नॉर्मल एक्ट कर रही है ना? यस यस दिस इज लाइक अ नॉर्मल। यहाँ पर भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे, तुम इनको मेजर करके देखो, स्लाइटली इक्वल होते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। बहुत बड़ा अगर कर्वेचर है तो यहाँ बहुत बड़े कर्वेचर के लिए ये इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है समझ में आई बात की नहीं आई सब बच्चों को? सर मैं वो लाइन नहीं बोल रहा सर, आपने जो एफ लिखा है ना जिस पॉइंट पे, हाँ वो लाइन, वहां पे एक ब्लैक लाइन है ये। हाँ हाँ तो क्या होगा इसको? सर यहाँ नहीं, वहां के ब्लैक लाइन पे है ना उसके साइड में, ये जहाँ उसके साइड में जीरो भी लिखा है ये, वो लाइन। हाँ सर वो पूरी लाइन। हाँ तो दिस इज लाइक अ नॉर्मल ना, बोल तो रहा हूँ दिस इज लाइक अ नॉर्मल। ठीक है ब्लैक लाइन बोल रहा हूँ, ब्लैक लाइन ये तो एक्सिस है ना तुम्हारे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सर आपने जो ये पॉइंट लिखा है ना फोकस का, आपने जो ये किया है हाँ सर, उसमें वो एक्ट कर रहे हैं ना नॉर्मल जैसी? यस
यहाँ पे बोल रही है? हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे ब्लैक लाइन ये नॉर्मल नहीं है भाई मेरे, यहाँ पे नॉर्मल कहाँ होगा, जब येलो लाइन इधर पर आ जाएगी ये नॉर्मल होगा, यहाँ पर देखो दिस विल बी नॉर्मल। सर बाय द वे मुझे ब्लैक लाइन अभी भी नहीं दिख रही। ठीक है, एनीवेज दिस इज अ नॉर्मल। सर वो डार्क ब्लैक लाइन बोल रहा हूँ सबसे बीच में, यहाँ पे जीरो माइनस टू ठीक है ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? ये नॉर्मल है देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होगा, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो पूरा टाइम इस पे ही जाएगा अपना। ओके समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर आई। हाँ सर, ये कॉन्वेक्स में कैसा है, कॉनकेव में कैसा है? ओके चलो, फिर मैंने आपको बच्चों कुछ ये रे डायग्राम्स दिए थे, आप लोगों ने बनाए नहीं, तो अब जल्दी जल्दी बनाते हैं अभी अपन। अभी सपोज अगर मान लो मेरे पास एक, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। ये है हाँ कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर को मैं लेता हूँ और अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, तो सी वाला हमने देख लिया था। ठीक है, ये हो गया मेरा एफ, ये क्या है बच्चों, ये है एफ, ये फोकस वाला पॉइंट है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देता हूँ तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ पे बनेगी? अब ये तुम्हें ट्राई, पैरेलल। यस, इमेज कहाँ पे बनेगी? पैरेलल। नहीं ट्राई करो, ट्राई तो क्या नहीं आप लोगों ने, चलो अभी ट्राई करो इस पार्ट को सभी बच्चे, रेफरेंस लेके करो। देखो हमें बेसिकली ए का इमेज फाइंड आउट करना है कहाँ पे बनेगा, तो ए से जो भी लाइट गई, देखो एक लाइट इट पासेस थ्रू फोकस, करेक्ट, फोकस से कोई लाइट गई इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला रूल हमने कंसीडर किया है, करेक्ट, बराबर है। तो देखो ये जहां पे ग्रीन, ये जहां पे ब्लैक और जहां पे जितनी जितनी भी सब लाइट्स हैं ये मीट होंगी, दिस पॉइंट विल बी माई ए डैश वाला पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर जब इस पॉइंट को जब तुम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली जोड़ दोगे तो वो ये हमें क्या दे देगा, बी डैश, मतलब इसका इमेज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। ठीक है, यस सर। ये समझे कि नहीं समझे तुम लोगों को बच्चों? सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। देखो ये वाली लाइट कौन सी है, विच इज दिस लाइट सर, कौन सी लाइट, कौन से कलर की? ये वाली लाइट है, देखो ये पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस को, कहां पे मीट होगी, कहां पे जाएगी, फोकस से जाएगी, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। और कोई भी लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, अब हमें मैंने आपको बताया था कि हमें इमेज को इमेज को बनाने के लिए मिनिमम टू लाइट रेस चाहिए। देखो ये वाली रेड वाली और ब्लू वाली लाइन कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है, बराबर है कि नहीं? रेड और ब्लू वाली लाइट कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे, ए डैश। तो ए डैश क्या हो गया, इसका जो ए का जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, ए डैश पे बनेगा। तो सर वो सेंटर ऑफ, सेंटर के बिल्कुल नीचे ही बन रहा है, सेंटर के बिल्कुल नीचे ही बन रहा है, और क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो तुम इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पे, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, मतलब इस पॉइंट से जब तुम इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाला जो ये इसकी टोटल इमेज तुम्हें ऐसे दिखाई देगी क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी इसकी इमेज ऐसे परपेंडिकुलर ही बनेगी हमेशा। ठीक है, तो सर हमारी जो नीचे वाली केस है उसमें भी जहाँ पे हमारी इमेज को अपने ये अब अपने आप से ट्राई करो इसको, अब अपने आप से ट्राई करो और मुझे दिखाना फिर जो जैसा भी बन रहा है, प्लीज अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो तो समझ में आएगा, मैं यहाँ पे बनाता रहूंगा समझ में नहीं आएगा। नाउ इस पार्ट को खुद से ट्राई करो बच्चों, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट वाला मैं आपको दूंगा बनाने के लिए आप लोगों को, मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसको बनाने के बच्चों कई तरीके हो सकते हैं, इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है,
एक काम, इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। सर मैंने भी पहले बड़ा ही लिया था मगर उसके नहीं, बाद ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप छोटा बड़ा, कि मेरे पास आई हैव सम लिमिटेशन तो इसलिए मैंने इसको, बट ठीक है, इससे एनीवेज इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके अब देखो, अब अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे यहां से गई, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो कोई लाइट अभी समझो यहां से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट से गई, ठीक है। ये क्या देखो, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है कि नहीं है, बताओ बच्चों, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, कहां पे मीट होगी ये लाइट, ये लाइट कहां पे जाएगी, जल्दी बताओ, जाकर कहाँ पे जाएगी, फोकस से थ्रू, फोकस से जाएगी ना, हाँ सर, ओके। दूसरी लाइट कौन सी ले सकते हो तुम, नीचे से हम ले सकते हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस फोकस, यस, तो लेट से अभी एक दूसरी लाइट हम लेते हैं विच इज गोइंग फ्रॉम फोकस विच विल बी ऑब्वियसली टेकिंग द सेम पाथ, और वो प्रिंसिपल इस लाइन को पर सॉरी पैरेलल होगी, एक सेकंड, ये देखो इसको भी मैं इस पॉइंट, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, थोड़ा सा इसको यहाँ पे, तब अगर ये लाइट फोकस से जा रही है तो कहाँ से ये कैसे हो जाएगी, ये प्रिंसिपल लाइन को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, यस वेरी गुड, ये इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, उसका डिस्टेंस मैटर नहीं ना करता हम कितना ड्रॉ करते हैं, मतलब कितना भी ड्रॉ करो लाइन, मतलब इट कैन गो टिल इंफिनिटी, तुम कितना भी खींचते रहो लाइन को, ठीक है। तो सर वो जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है वो उसके नीचे भी आ सकती है, हाँ लाइन का मतलब होता है इट कैन बी टेकन टिल इंफिनिटी, नहीं सर वो पता है, मेरा जस्ट डाउट ये है कि ए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसके नीचे आ सकती है कि डॉट, आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तब देखो अब ए वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, अब ये दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट हो रही है बच्चों, फोकस, फोकस पे मीट हो रही है, देखो रेड और ब्लू लाइट कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है ना सर, वो बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं सर, नीचे नहीं है, थोड़ा सा इधर पर है, ठीक है, ब्लू पॉइंट पे, ब्लू पॉइंट, हाँ यस, यहाँ पे मीट हो रही, बराबर, ये हो जाएगा मेरा ए डैश। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें मालूम है ए डैश मालूम चल गया तो बी डैश निकाल लोगे, सर परपेंडिकुलर होता है ना, यस, अगर ए डैश तुम्हें मालूम चल गया तो बी डैश निकल आएगा तुम्हारा, बी डैश कैसे निकालोगे, बी डैश ए डैश के एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू, ये हो गया मेरा ए डैश, बराबर, बराबर है कि नहीं बच्चों, हाँ सर, ठीक, और ये हो गया मेरा बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब देखो अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है मेरी, यहाँ पर हाउ इज इमेज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर, इमेज इज कैसी है, इमेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड, रियल है, इन रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी होगी, और कैसी है, मैग्नीफाइड है कि नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है, और कैसी है इमेज मेरी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड और कैसी है, मैग्नीफाइड का फंडा कुछ समझ नहीं आया, मतलब मैग्नीफाइड मतलब बढ़ गई ना, देखो इसकी लेंथ देखो और इसकी लेंथ देखो, कौन सी लेंथ बड़ी है, ये लेंथ बड़ी है कि नहीं, हाँ सर, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड और क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी,
ठीक है, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तो ये बातें समझ में आई सब बच्चों को, कैसे मैंने, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखो तुमने इसको चाहो तो तुम यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे भी ले सकते थे, अगर तुम्हारी इच्छा कर रही थी तो तुम लाइट रे को ऐसे भी ले सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एनी लाइट दैट विल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल ना। तो अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली पास हो रही, देखो ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ठीक है, तो कैसे जाएगी ये बताओ जल्दी से बच्चों। यहाँ पर अगर तुम मिरर बना देते, अज्यूम करो यहाँ पे तुम इस मिरर को एक्सटेंड कर देते इस पॉइंट तक, तो ये जो लाइट थी इट वुड हैव टेकन सेम पाथ, ठीक है कि नहीं है, अगर लाइट यहाँ पे जाती तो इट वुड हैव टेकन सेम पाथ, ठीक। तो लाइट अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती तो भी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आती, और देखो ये तीनों लाइट लाइट रे कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है, अगेन यू कैन सी, बट मैंने बोला मिनिमम तो मैं दो लाइट रे से यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम दो लाइट रे से। सर यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले पूछा कि वो जो लाइन है ना नीचे वाली ब्लू लाइन, हाँ, वो एक को मतलब डायरेक्टली उस एक के नीचे आ सकती है क्या, तो फिर इमेज नहीं, एक के नीचे कैसे आएगी, एक के नीचे नहीं आएगी ना, हाँ राइट, बियॉन्ड सी है ना, नहीं होगा, हाँ सर, ऑब्जेक्ट तुम्हारा सी और एफ के बीच में है और इमेज कहाँ पे बन रही, बियॉन्ड सी बन रही है, तो उसके नीचे कैसे आ जाएगी। हाँ सर वही मैं आपको पूछने वाला, ठीक है सर। अब मेरा मिरर में पोल वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट क्या था मेरा, पोल था, बराबर है, दिस पॉइंट वाज पोल, दिस पॉइंट वाज फोकस। अब हमें क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ कैसे रख देना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देना है बच्चों, यस फोकस और पोल के बीच में, यस फोकस और पोल के बीच में, सर यहाँ पे मतलब लाइट की जो रे होगी वो वैसे ही जाएगी मिरर की तरफ और वो फोकस, हाँ ऑब्वियसली लाइट की रे तो मिरर की तरफ ही जाएगी ना, मिरर से दूर जाएगी तो इमेज कैसे बनेगी सर, नहीं, तो... मैं हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, सब बच्चे भी इसका ड्रॉ करो दिखाओ मुझे, हाँ ये सर, तो जो पैरेलल लाइन है वो फोकस से ही जाएगी ना, जैसा भी रहेगा पहले ड्रॉ करो, सोचो इसमें कैसे होगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, पहले मुझे रिजल्ट दिखाओ कुछ, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ओके ठीक, चलो बताओ, इन बच्चों को नहीं समझे यहाँ पर देखो, तो कोई भी लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है कैसे जाएगी, कैसे जाएगी बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर इट विल मीट, फोकस पे, फोकस, फोकस बराबर है, पिंक वाली लाइट कहाँ पे मीट हुई, फोकस पे, फोकस, ठीक, फोकस चाहिए ना जिंदगी में, चाहिए कि नहीं, हाँ सर, हाँ सर, चलो ठीक है, ओके सो दिस इज, ठीक है, तो ये एक लाइट ऐसे गई विच मीट्स एट फोकस, वेरी गुड बच्चों, ठीक है चलो, सो नाउ नाउ टेल मी दूसरी लाइट हम कहां से बना सकते हैं, दूसरी लाइट है तुम कहां से बना सर, वही जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई थी, तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना दो, चलो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना दो, ठीक है, दूसरी लाइट कहां से बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता बना दो, सर मैंने तो ऐसे नहीं बनाए, मैंने डायरेक्टली ऐसे लेके मतलब ये पी पॉइंट तक, कई तरीके हो सकते, कई तरीके हो सकते, इधर देखो, इधर देखो, लुक ओवर हियर,
तो दूसरी लाइट जो एक तो तरीका ही हो गया जो मैंने यहाँ पे दिखाया तुम्हें, ठीक है, कौन सा, कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई मतलब इट विल टेक द सेम पाथ, बराबर है कि नहीं, बराबर है मतलब कि नहीं, हाँ ओके सर। तो बताओ अब इन दो लाइन, इन दो लाइट रेस लेकिन बता सकते हो कहाँ मतलब कैसे जाएगी है? और लाइट कहाँ से आ रही है, इसको ऑब्जेक्ट वहाँ पे है लेकिन लाइट यहाँ से कहीं से तो आ रही है ना, प्रकाश से, अरे सोर्स यहाँ पे रख दो कहीं पे लाइट का सर, तो मतलब सी के बाजू में, सी के पहले देखो ये लाइट कभी मीट होगी क्या, देखो ये सर तो लाइट वहां से आ रही है और ऑब्जेक्ट वहां पे रखा है ए बी, देखो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट क्या कभी दोनों मीट होंगे एक दूसरे से, बताओ तो कैसे बनाए, कहाँ पे बनाएंगे इमेज, मिरर के पीछे, यस, तो तुम्हें को क्या मालूम है अगर कोई भी डाइवर्जेंट लाइट रे है तो कैसे कहाँ पे इमेज बनती है उसकी, मिरर के पीछे, हाँ मिरर के पीछे बनती है, कोई डाइवर्जेंट लाइट रे तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, तो सर अगर हम ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड करें, हाँ वही बोलने आ रहा था कि अगर इन दोनों को एक्सटेंड करें तो वो एक पॉइंट पे मीट होगी वहां पे पिक्चर, इनको एक्सटेंड कराओ पीछे के मीट कराओ और ये जहां पे भी मीट होगी दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज, ठीक है समझ में आई बात सर, लेकिन वो भी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला A to P light जाते हैं, A to और A to pole, ठीक है, इसमें क्या problem, सर तो वो भी सही है सर, तो उससे angle of incidence और reflection change और वो angle of reflection बनता है, समझ नहीं मुझे क्या बोल रहे हो, ठीक है ये समझ में आई बात बात की नहीं आई, ओके आप क्या बोलना चाह रहे हो, I could not understand actually, क्या बोल रहे हो चारुला सर, मैंने कुछ नहीं बोला, कौन बोला था, मनु मैं आप बोल रहे थे क्या, हाँ सर वो यहाँ के तो बिल्कुल नहीं, हाँ बोलो क्या बोल, नहीं बोल रहा था कि ए ए से पोल को लाइन ड्रॉ की तो वो हाँ ए से पोल को मोशन हो गया, तो वो नेक्स्ट वही बताने जा रहा था, अब देखो अगर तुम लाइट को कैसे ड्रॉ करते हो सर, तो इसमें तीन लाइट रे हैं, तीन लाइट, हाँ तीन लाइट हो जाएंगे बराबर, एकदम बराबर है आपको, अगर मान लो तुम इसको या, इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करा दो, कहाँ से जा रही है लाइट, सर सर तो हर लाइट रे में लाइट हर हर जो लाइट रे है, ठीक है हाँ, हाँ बोलो बोलो सर, तो हर लाइट रे है उस लाइट रे में अलग अलग जगह से लाइट आता है या सभी रे के लिए सेम जगह से लाइट आता है, अलग अलग जगह से आ रहा होगा ना लाइट, देखो इधर पे देखो, तो, इधर पे देखो, सर तो ए टू पोल के लिए ऊपर से सोर्स तो सेम है अपना, सोर्स तो सेम है बट लाइट जो है वो अलग अलग जगह से ही आ रहा होगा सर, तो ए टू पोल के लिए वो ऊपर ऊपर से आ रहा है और वो एफ टू ए का वहाँ वो सी से पास हो रहा है वो लाइन के लिए लाइट नीचे से आ रहा, साइड से आ रहा है, यस सर, यस टेल मी बोलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं क्या अनोटेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऐसे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, बोलो 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 सर, अगर हम इस ये जो हमने ए की नीचे वाली लाइन ली है उसे हमने मिरर के इस बाजू एक्सटेंड किया है, मगर अगर हम इसे इस बाजू अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो दो लाइन जहाँ पे मीट होती है ये भी तीसरी लाइन वहां पे मीट होगी ना, यस मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पर एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम इसको पोल से ज्वाइन करते हो तो मनोमय अभी ध्यान से समझो, हाँ आपका डाउट था ये, तो यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि अभी प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है कि नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो रही है, बराबर, तो अभी तीनों लाइट रेस कहाँ पे मीट होगी उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ क्या कर देना है,
क्या कर देना है बच्चों? एक्सटेंड एक्सटेंड वेरी गुड। और क्या वो इस लाइन को पीछे आप एक्सटेंड करके दिखा सकते हो कौन सी लाइन? क्या टेंजेंट करके क्या दिखाना है? क्या दिखाना है टेंजेंट करके जल्दी बताओ। चलो ठीक है मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, टाइम जाएगा। तो अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, कैसे पीछे की तरफ? मतलब इफ आई एक्सटेंड इट पीछे की तरफ, ठीक है? आई डोंट नो, देखो ये वाली लाइट है, तीनों भी एक पॉइंट पे मीट होंगे। ठीक है, तो ये अभी अलग पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ये अलग पॉइंट हो गया मेरा ए डैश, और ए बी डैश कहाँ पे बन जाएगा? इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और देखो ये लाइट कैसे बनी, डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही लाइट यहाँ पे? हाँ सर। तो डाइवर्जेंट लाइट अगर होती तो हम कैसे बनाते हैं इसको? और डाइवर्जेंट लाइट रे हाउ टू बी कंस्ट्रक्ट इट? इरेक्ट। हाँ, और इरेक्ट आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से आपको क्या कर देना है? प्रिंसिपल एक्सिस बट आपको यहाँ पे से जोड़ देना। समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों? सब बच्चों को हाँ, बी डैश ही हो गया सर? नहीं, यहाँ पे बी डैश ही हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हें इमेज दिखाई देगी दैट विल बी मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है? चलो नेक्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे। अभी किसका बनाएंगे रे डायग्राम सर? हम लोग सर आप फिर से समझाओ ना। नहीं समझा। क्या नहीं समझा सर? एक सेकंड आप नहीं चलाओ। हाँ एक सेकंड ले रहा हूँ। हाँ बोल, एक मिनट। हाँ बोल, अभी क्या नहीं समझा इसमें बताओ सर? अगर वो जो ए डैश है जहाँ से हमने सबसे ओरिजिनल लाइन ली थी उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे पीछे, फोकस से स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो मीट कर सकते क्या? मतलब कैन यू एनोटेट एंड शो इट टू मी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर। मेरा जो लैपटॉप है ना उसमें फॉर्मेट मार है। ठीक है बताओ अभी क्या किसको एक्सटेंड कर दूं मैं, बताओ जरा। सर ये जो ए डैश है ना उसको फोकस तक एक्सटेंड किया हमने। फोकस तक कैसे एक्सटेंड करोगे सर? मतलब फोकस से ही वो डायग्राम स्टार्ट किया। मतलब तुम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे ले लिया तुमने? कैसे ले लिया सर? आपने ए डैश से जो सबसे पहले मिरर बनाया था ना फोकस से पास होते हुए, हाँ ओके, तो सर वो फोकस से ही बनाना है, ए डैश से नहीं बनाना। बट व्हाई वांट टू पास इट थ्रू फोकस? अगर ये पैरेलल है तो ही जाएगी ना फोकस से, अदरवाइज क्यों जाएगी फोकस से वो? अच्छा तुम बोलो लाइट रे अगर फोकस को पैरेलल होगी तो ऐसा बोल रहे हो क्या? तो भी कुछ नहीं होगा वैसे। तो सर वो मीट कहाँ करेगी? तुम बोलो अगर ये फोकस से ऐसे 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 ये बोल रहे हो क्या? क्या बोलने चाह रहे हो सर? वो जो ए डैश है ना उसको और लेफ्ट से स्टार्ट किया और फिर वहां से ए डैश को तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो? ए डैश तो इमेज बनेगी ना, तो ए डैश तुम थोड़ी ना चूज कर रहे हो। तुम चूज कर रहे हो क्या ए डैश? तुम बस इसको हिला डुला सकते हो, ए डैश को के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ए डैश में थोड़ी ना तुम्हारा रूल चलेगा। तो सर उसको ही हिला रहा हूं मैं और हिला रहे हो ए बी को? सर उसको ही ला सकते हैं। तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस दैट आर बीइंग फॉर्मड हियर? इमेजेस कैसी है? इमेज कैसी है बच्चों? इमेज वर्चुअल। यस, और वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज कैसी होती है? अपराइट। यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट, ठीक है। और कैसी है? मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है?
डिमिनिश मतलब छोटी हो गई, मैग्निफाइड मतलब बढ़ गई, ठीक है। और कहां पे बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। अब आपको क्या करना है, ये कौन सा मिरर है? यस बच्चों, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, 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 यस, वेरी गुड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ? अच्छा चलो, अभी बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सी पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बताओ? अभी ये भी ये कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ कॉन्वेक्स है, यस सर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का तो वो सी तो यहाँ पे होना चाहिए ना? कहाँ पर होना चाहिए सर? सी क्या होता है? सी बताओ, भी तो बताया था, सी मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो सी तो यहाँ इस साइड पे भी हो सकता है ना? किस साइड पे हो सकता है? इस साइड पे कैसे हो जाएगा? स्फीयर का सेंटर कहाँ पर होता है? स्फीयर का सेंटर तो हमेशा यहीं पे रहेगा ना? यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। कई सेंटर होते हैं क्या स्फीयर के? नहीं, एक ही होता है ना। कहाँ पर होता है? यहाँ पे। तो बताओ, अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, वेयर विल बी द इमेज, बी वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड? सर किधर? देखो रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ए और बी इस ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर का साइड तो उस साइड में, पर ये तो कॉनकेव मिरर हो गया फिर। क्या? पर ये तो कॉनकेव मिरर हो गया क्योंकि ये तो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मनोहर। तो यहाँ पे इमेज बनेगी क्या? क्या यहाँ पर इमेज बनेगी सर? यहाँ पे डाइवर्जेंट इमेज बन सकती है? बन सकती है डाइवर्जेंट इमेज, तो अगर लेंस होगी तो। अगर सर अगर कॉनकेव लेंस होगी तो डाइवर्जिंग बनेगी। लेंस की बात कहाँ हो रही है, तो मिरर की बात चल रही है। लेंस मैंने पढ़ाई क्या भी आपको सर? अगर मतलब अगर लाइट बी से ए तक जा रही हो तब इमेज बनेगी क्या, वो वैसा ना? हाँ मैंने बोला यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या इमेज बनेगी? टेल मी एन एक्सप्लेनेशन। इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी इस वाले केस में, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। क्यों? इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। अरे भाई ये तुम्हारा ओपेक साइड है, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें रिफ्लेक्टिंग साइड में रखना चाहिए। दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज ओपेक साइड। ओ या सर। अरे तो यहाँ पे इमेज तुम इसको कहीं पे भी रखो, इमेज नहीं बनने वाली है यहाँ पर, बराबर। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे बच्चों? उस साइड पर। यस, इस साइड पर रखेंगे। ठीक है, इस साइड पे रखेंगे। ठीक, तो बनाओ जल्दी से इसका रे डायग्राम बनाओ, निकालो जल्दी से। सी हो गया, ये एफ हो गया, इसका रे डायग्राम जल्दी से बनाओ अभी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड पे तुमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इस साइड तो रखोगे तो इमेज कहीं नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये साइड ओपेक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा? रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। जल्दी से मुझे बताओ इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? सर मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारी अगर मान लो लाइट रे ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, किसको? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे मीट होगी? फोकस पे। फोकस पे,
तो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इसको बताओ, हाउ शुड आई रिफ्लेक्ट दिस लाइट, इस लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कराना चाहिए हमने, बताइए बच्चों, ये लाइट रे कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस वाले पॉइंट से जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों, है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर बराबर। इसको जैसे तुम थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखा दो इसको, ठीक है, यू कैन शो इट डॉटेड। मतलब एक्चुअली में लाइट कैसे जाएगी, लाइट ऐसे जाके, एक्चुअली में लाइट कैसे जा रही है, लाइट ऐसे जाके ऐसे गई, बराबर। अब और कहां से दिखा सकता हूँ मैं बच्चों, और कहां से दिखा सकता हूँ लाइट को, सर आप इसको रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के टर्म्स में एक्सप्लेन करूं। रिफ्लेक्टेड, देखो ये तो एक रूल, डायरेक्ट रूल है ना अपना, यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट रूल मैंने बताया था ना, एनी लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज एट फोकस। और अगर तुम्हें इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के टर्म्स में देखा ना इसको, तो तुम क्या कर दो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाल, कर्वेचर से वो लाइन ड्रॉ कर नॉर्मल डाल दो। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया तुम्हारा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया तुम्हारा। और तो ये पहली जो रे है वो ऊपर ऊपर जाती है डायगोनली ऊपर, वो उसका कन्वर्ज वाला उसके ओपेक साइड का वो फोकस पर आता है, फोकस को टच करता है वो, और फोकस के थ्रू जाता है। फोकस के थ्रू नहीं जाता है, ये लाइट जा रही है ना, तुम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ खींचोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ, फोकस पे जा रही है, ठीक है। तो फोकस पे जाना ही चाहिए, कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी है, फोकस के आसपास मूव करता है एक्चुअली में, ठीक है, करेक्ट है ना सर। तो अगर सर तो अगर वो एरो जो है आपने ड्रॉ किया है, वो एरो जहाँ ऑब्जेक्ट है सर, वो ब्लैक एरो सर, वो अगर थोड़ा और ऊंचा होता तो वो फोकस में नहीं जाता ना। अगर ये तुम बोले ये ऑब्जेक्ट और ऊंचा होता, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब सर है वो ब्लैक एरो और ऊंचा होता तो भी वो फोकस पे जाता। फोकस पर मान लो इतना ऊंचा हो जाता, चलो ठीक है, तो क्या फोकस पे नहीं जाएगा? तो उसका एंगल जो है उन पिंक लाइन का एंगल है वो बदलता। हाँ देखो यहाँ पर देखो तो लाइट कैसे जाती फिर, यहाँ पे लाइट यहाँ पे ऐसे ऐसे जाती फिर ना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी तुम्हारा मिरर था सर, तो उसका एंगल ऐसा सर, क्या मैं एनोटेट करके ड्रॉ कर, ऐसे जाएगा फिर। अच्छा हाँ हाँ वैसे ही बोल, ठीक है ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो यहाँ तक सर, तो एरो जितना भी ऊंचा हो वो फोकस पे ही जाएगा, वो एंगल फोकस पे ही जाएगा, वो रूल है ना, जहाँ पे है उसको उससे डिपेंड करता है एंगल क्या है, बस दैट इज द रूल, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जरा कर दो। तो फोकस हम कैसे बताए कि फोकस कहाँ पर है, मतलब वो सी और फोकस तो मालूम है ना, फोकस तो भी बताया मैंने, फोकस क्या कहाँ पर होता है, बताओ कहाँ पर होता है फोकस सर, पी पोल और सी के बीच में। हाँ पोल और सी का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है, तो आप लोकेट कर सकते हो सर। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस 5 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है, जल्दी से मुझे खत्म कर लेंगे इसको सर। तो पी एफ और एफ सी इक्वल होता है, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, हाँ यस, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट तो इक्वल ही होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा लाइट रे कहाँ से कहाँ पे हम भेज सकते हैं, दूसरा लाइट रे मान लो आ रहा है पोल, पोल को पोल से भी ले सकते हो तुम, ये भी ले सकते हो, देखो देखो ले सकते हो ऐसा, हाँ सर। और पोल से भी मैं दिखा दूंगा तुम्हें सर, तो हमें तीन ही ड्रॉ करने हैं, आपको दो ड्रॉ करने, तीन नहीं दो ड्रॉ करने। अब इसको भी ऐसे डॉटेड दिखा दो, डॉटेड का मतलब हुआ कि क्या मतलब, वो डॉटेड का और अपीयर टू बी, अगर लेंथ होती तो वहां पे जाता, यस,
तो दैट मीन व्हाट, अब अगर ये लाइट ऐसे आई तो कैसे गई यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पर ये लाइट ऐसे जाते हुए दिखाई देगी। अब देखो ये लाइट और ये लाइट कैसे डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, बताओ। ये वाली लाइट रे डाइवर्जेंट, और ये वाली लाइट रे कैसी है, डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट रे जब भी आती है तो कहाँ पे बनती है इमेज, कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी कहीं तो, ठीक है। और मान लो ये ए है तो ए डैश कहाँ हो जाएगा, ए डैश यहाँ कहीं तो हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? और तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो ए से पोल को जाएगी और हाँ पोल से, वैसा भी हो सकता है, वैसे होगा और रिफ्लेक्शन होगा। यस यस एंगल। तो ये बात सबको समझ में आएगी, करेक्ट। अब एक इसका और बनाने का तरीका है, क्या तरीका है इसको बनाने का, देखो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इसको पोल, इसको यहाँ पे ऐसे पोल से लिया, ठीक है। तो वो ओपेक साइड पे जो है वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे के लिए है। यस यस यस। और अगर वो, और वो अगर वो लेंस होती तो वो लाइन, लेंस का अभी लेंस मैंने बताया क्या तुमको, लेंस बताया क्या सर? तो वो सर तो वो डॉटेड लाइन अगर लेंस होती तो उस डायरेक्शन उस लाइन के, लेकिन लेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे, लेंस कहाँ से आ गया ना? देखो आप देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइट दिख रही, तुम्हें इधर देख लो पहले, फिर सब फिर आगे बात कर लेना। देखो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है तुम्हें, दिख रही है बच्चों? तो अब ये पोल पर पड़ी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया तुम्हारा। यहाँ से जो लाइट जा रही है दिस बिकम्स योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। इसको पीछे की तरफ जरा एक्सटेंड करो, देखो जा रहे पीछे ये इधर पे मीट हो रही है यहाँ पे कि नहीं हो रही है अप्रोक्सीमेटली? देखो ये देखिए बच्चों, मीट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर हो रही है। इसको भी हम कर देंगे डॉटेड। देखो तीनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मीट हो रही है, ठीक है। और उस वक्त आपने पूछा था कि ये पीछे वाले लाइन डॉटेड क्यों है, तो मैं बोला था कि तो मैंने बोला था कि अगर लेंस होते तो वैसे जाते, तो आपने अच्छा, बोला लेंस नहीं, लेंस नहीं है डॉटेड का मतलब, वो हम इसको पीछे तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो जब भी कोई ग्राफ में कुछ ऐसा लाइन तो ऐसे जा रही है, ठीक है, एक्चुअली लाइन यहाँ पे नहीं जा रही है, बट हमारी आई को लगेगा इसको पीछे की तरफ हमें एक्सटेंड करना है, मतलब लाइट ऐसे नहीं जा रही, बट उसका उसको पीछे की तरह जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो भाई कहीं तो पीछे की तरफ यहाँ पे मीट हो रही है वैसा, ठीक है। हाँ आप वैसा बोले थे कि लेंस होता तो वहां पे जाता, हाँ दैट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो करेक्ट सर। तो कॉनकेव लेंस में लेकिन लेंस होता तो वहां पे भी रिफ्रैक्शन होता, तो वो भी हम नहीं बोल सकते हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि लेंस होता तो वहां पर लाइट कैसे जाती, नहीं, सो दैट विल बी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि लेंस होता तो फिर वो रिफ्रैक्ट होती ना, समझ रहे हो? लेंस होता तो वो रिफ्रैक्ट होती, तो दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट करेक्ट। हाँ मतलब कहने का मतलब है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, बस यही मतलब हुआ उसका, ठीक है। ड्रॉ कर, तो